दोस्तों नमस्कार, आई एम रेकी ग्रैंड मास्टर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट मगन सिंह फ्रॉम महेंद्रगढ़ हरियाणा, आपका कानोडिया आयुर्वेद में स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं हर रोज़ आपके लिए एक नई जड़ी बूटी, एक नई वनस्पति प्रकृति ने जो हमें दी हुई हैं उसकी एक नई नई जानकारी के वीडियो मैं आपको हमेशा आपके लिए रोज़ लाता रहता हूँ। आज हमारा उस दिए गए बहुत ही चमत्कारी एक जड़ी बूटी है, ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है दुर्वा, जिसको दूब घास बोलते हैं। दोस्तों इस दूब घास का हमारे बहुत ही हमारे सांस्कृतिक महत्व भी है और इसका और अनेक प्रकार के हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम में दूब के बगैर सब हमारे प्रोग्राम अधूरे हैं। सभी व्रत में, सभी प्रकार के धार्मिक प्रोग्रामों में इस दूब का शुरुआत ही दूब से होती है। इसका हमारे बहुत महत्व है, हमारी संस्कृति हिंदू संस्कृति में दूब का विशेष महत्व है। दोस्तों ये बहुत ही एक शीतल है और इसको गंगा जल में इससे छींटे लगाते हैं तो चारों तरफ का जिस जहाँ जहाँ छींटे लगते हैं वहाँ पूरी तरह से शांति स्थापित हो जाती है। इसलिए आपने हवन वगैरह में जहाँ जहाँ देखते होंगे दुर्वा से ब्यास आदि में सबसे पहले दुर्वा को गंगा जल में भिगोकर छींटे लगाए जाते हैं, जिससे चारों ओर वातावरण पूरी तरह से शांत हो सके और वातावरण पूरी तरह से शांत हो जाता है इस दुर्वा घास से। ये बहुत ही एक शीतल प्रकृति की दवा है, औषधि है और इसके फायदे अगर हम इसका प्रयोग करें, अभी तक तो हम इसको केवल घास समझते थे लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसे आविष्कार किए हैं, इसके खोज की हैं, इनके इस दूब के अंदर ऐसी ऐसी चमत्कारी शक्तियां हैं, विटामिन्स हैं, प्रोटीन है, अनेक प्रकार के पोषक तत्व इस दूब के अंदर है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। ये पोषक तत्व बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अब मैं आप अगर हर रोज़ आप इस दूब घास का जूस निकाल कर पियेंगे तो आपके अनेक रोगों में इसके फायदे बहुत चमत्कारी परिणाम आपको देखने मिलेंगे। दोस्तों हर रोज़ आपको एक ये 50 ml कम से कम रोज़ाना आप अगर 50 ml अगर दुर्वा घास का जूस पीते हैं तो आपके शरीर की अनेकों बीमारियां ख़त्म होती हैं और आप कुछ ही महीनों में देखेंगे अपने शरीर का बहुत ही अपने आप को ताकतवर, अपने शरीर में बहुत ताकत का महसूस एहसास होगा आपको। शरीर की सारी कमजोरी पूरी तरह से दूर हो जाएगी क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के विटामिन्स, खनिज, पोषक तत्व हैं और जो हमारे शरीर को पूरी तरह कमजोरी को पूरी तरह से दूर कर देते हैं। दोस्तों अब मैं आप इसको मैं बताता हूँ आपको, ये इसके दुर्वा के फायदे बताता हूँ आप इसको, यहाँ एक एक फ़ायदे का ध्यान से देखें और आप इसके फ़ायदे देखकर चमत्कार बहुत आश्चर्यचकित रह जाएंगे। दोस्तों ये शारीरिक कमजोरी के लिए आपको मैं पहले बता रहा हूँ, इसमें विटामिन्स होती हैं, कैल्शियम होता है, इसमें फास्फोरस होता है, इसमें प्रोटीन होता है, अनेक प्रकार के पोषक तत्व, इसमें फाइबर होता है। इस ये सभी पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत ही अति आवश्यक हैं। दोस्तों अगर आपको नक्सीर आती है, जैसे हमें नक्सीर किसी को आती है तो इसके रस की 2-3 बूंदें अगर नाक में डाल दी जाएं तो नक्सीर तुरंत बंद हो जाएगी, खून निकलना तुरंत बंद हो जाएगा। दोस्तों लीवर का ये टॉनिक है, लीवर का रामबाण इलाज है, अगर इसका जूस निकाल के पिया जाए तो आपके लीवर और इसमें थोड़ा काली मिर्च का पाउडर मिला करके आप इसका सेवन करेंगे सुबह खाली पेट 40 से 50 ml, तो
तो आपके लीवर को ये पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई करेगा, लीवर को पूरी तरह से आपके लीवर की सभी बीमारियों को दूर करेगा। दोस्तों ये कब्ज का रामबाण औषधि है, कब्ज का, आपके पाचन तंत्र में, आपके आंतों में इन्फेक्शन है, आपके आंतों में कोई दिक्कत है, आपका हाजमा सही नहीं है, कब्ज रहता है, आप लेटरिंग समय पे नहीं आती है, लेटरिंग खुलकर नहीं आती है, तो दोस्तों ये बहुत ही कब्ज के लिए रामबाण औषधि है। इसका जूस निकाल करके सुबह और 50 ml को आप इसको पिएंगे और इसमें आधा नींबू निचोड़ करके थोड़ा सेंधा नमक डाल करके पिएंगे तो दोस्तों आपके पाचन तंत्र की सभी खराबियां पूरी तरह से ये आपके ख़त्म करेगा और आपका लेटरिन खुल कर आएगी आराम से, बहुत ही दिक्कत बिल्कुल ही महसूस नहीं होगी और आपका पाचन तंत्र पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। दोस्तों अगर आंतों में आपको अल्सर है, अगर आपकी आंतों में कोई जख्म है, इन्फेक्शन है, आपको लेटरिन के साथ सफ़ेद पदार्थ, चिकना पदार्थ निकल कर आता है लेटरिन के साथ, तो आपकी आंतों में अल्सर है, ऐसे में अगर इसका जूस अगर आपको रोज़ पियेंगे तो आपकी आंतों के अल्सर को पूरी तरह से ख़त्म करेगा और आपके पाचन तंत्र को पूरी तरह से स्वस्थ करेगा। दोस्तों ये जिन माता बहनों को श्वेत पर्दर की बीमारी होती है उनको ये जूस रोज़ाना पीना चाहिए, उनकी श्वेत पर्दर की बीमारी बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। या जिनको माहवारी में ज़्यादा ब्लीडिंग होती रहती है उनको भी इसका सेवन, दूध घास का जूस पीना चाहिए जिससे उनकी माहवारी में पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी। दोस्तों पेट के अंदर जिनको पानी भरता है, जलोदर की बीमारी है, उन लोगों को दूध का इसका जूस पीने से उनके जलोदर की बीमारी को पूरी तरह से ये ठीक करेगा। दोस्तों इसमें जैसे ये शीतल प्रकृति की है तो ये आपके दिमाग को पूरी तरह से रिलैक्स करेगा, आपके दिमाग के टेंशन को, डिप्रेशन को ख़त्म करेगा, आपको नींद नहीं आती तो आपको बहुत अच्छी गहरी नींद आएगी, इसका जूस पीने से आपका दिमाग पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा, शांत रहेगा, मन में बहुत अधिक शांति महसूस करेंगे और आपका पूरी तरह से दिमाग बहुत ही रिलैक्स रहेगा। दोस्तों इसके अंदर दोस्तों ये रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इसके अंदर ये एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक भी है, इसके अंदर रोग से लड़ने की क्षमता जो हमारे शरीर में होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको कई गुना बढ़ा देता है जिससे हमें बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है। हमारे वाइट सेल्स जो बीमारियों से लड़ते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, उनकी बढ़ोतरी हमारे ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा होती है और हमारा हीमोग्लोबिन भी, इससे खून भी बढ़ता है। दोस्तों इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों शुगर को ये बहुत, इसमें ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो इंसुलिन बनाने का काम, जो हमारी पेनक्रियाज इंसुलिन बनाती है उसकी कार्य क्षमता को ये बढ़ा देता है, जिससे वो इंसुलिन आपको जो बाहर से लेते हैं वो इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी शुगर को ये नॉर्मल करेगा, आपकी इंसुलिन आपका पेनक्रियाज बनाएगा तो आपको बाहर से गोलियां वगैरह इंसुलिन की लेने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये सबसे अच्छा काम डिटॉक्सिफाई का काम करता है, आपके शरीर के अंदर जितनी भी गंदगी जमा है, आपके लीवर में, किडनी में, आंतों में, हार्ट की नसों में ब्लॉकेज है, फैट जमा है, कोलेस्ट्रॉल जमा है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो दोस्तों ये आपके पूरी तरह से आपके खून की सफाई करके तमाम गंदगी को पूरी तरह से आप मूत्र मार्ग के द्वारा किडनी या आपके खून को फिल्टर करती है और मूत्र मार्ग के द्वारा आपके शरीर की सारी गंदगी को ये दुर्वा का जूस आप पूरी तरह से साफ करेगा।
दोस्तों ये मोटापा कम करने में बहुत फ़ायदेमंद रहता है। अगर आप इसको रोज़ाना इसका जूस पियेंगे तो जिनको मोटापा ज़्यादा रहता है धीरे धीरे उनका मोटापा कम होता रहेगा और कई महीनों में उनका वज़न बहुत कम हो जाएगा। दोस्तों ये मूत्र रोगों के लिए बड़ी रामबाण औषधि है। हमारा मूत्र खुल कर नहीं आता, मूत्र में जलन होती है, रुक रुक कर आता है, आपका पेशाब बूंद बूंद करके आता है। तो दोस्तों आपके मूत्र के मार्ग को पूरी तरह से साफ करके आपके मूत्र के प्रभाव को बढ़ाएगा और आपको पेशाब में जो जलन होती है उस जलन को पूरी तरह से एक ही दिन में शांत करेगा और आपका मूत्र मार्ग पूरी तरह से साफ हो जाएगा और पेशाब पूरी तरह से खुल कर आता रहेगा। दोस्तों इतने फायदे मैंने इस दुर्वा घास के बताए हैं। ये सांस्कृतिक महत्व ही इसका है, लेकिन इसका हमारा औषधीय महत्व भी उतना ही ज़्यादा इसका फायदेमंद है जितना हमें इसका सांस्कृतिक महत्व है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना, और दोस्तों मेरे वीडियोस को लोगों को शेयर ज़रूर करें ताकि ये लोग इसको घास समझते हैं, केवल घास। दोस्तों अगर पशुओं को अगर ये दूब घास चराई जाती है तो ये दूब घास से उनका दुग्ध जो क्षमता है वो डेढ़ गुना बढ़ जाती है। इसलिए पशुओं को, गाय को, भैंस को, दुधारू पशुओं को दुर्वा घास का अधिक से अधिक सेवन करवाएं ताकि उनसे अधिक दूध की पैदावार ली जा सके। दोस्तों मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें और लोगों को वीडियो शेयर करें ताकि मेरे वीडियो से लोगों को जानकारी हो सके, क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं है। प्रकृति ने हमें हजारों प्रकार की औषधियाँ वनस्पति दी हुई है, हम अंग्रेजी दवाओं पे खाते हैं जिससे लाखों रुपए का हमारा खर्चा भी होता है और हमें उसके साइड इफ़ेक्ट भी भुगतने पड़ते हैं, अत्यधिक नुकसान होता है अंग्रेजी दवाओं से। इसलिए हम आयुर्वेद की जानकारी को मैं घर घर पहुंचाना चाहता हूं। आप भी इस भलाई के काम में मेरा सहयोग ज़रूर करें। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।